यूनिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम चर्चा करेंगे जो ट्वेल्थ की जो राजनीति विज्ञान है उसका जो पार्ट है उस सेकंड पार्ट के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जो सेकंड पार्ट का जो नाम है वो है भारतीय शासन और लोकतंत्र। इसके अंदर जो हम अध्याय है सेकंड ले रहे हैं, जो दूसरा अध्याय है वो है, उसके टॉपिक हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और तीसरा है मूल कर्तव्य। ये एक ही अध्याय नंबर सेकंड के अंदर है। इनमें हम सर्वप्रथम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भारतीय जो संविधान कि हमने जो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जो चर्चा की थी, जो अध्ययन किया था, उसके अंदर जो हमारे सामने बात निकल कर के आई थी कि हमारा जो संविधान है कई देशों के संविधान की विशेषताओं से प्रभावित रहा है। इस कारण से हमारे संविधान को जो उधार का थैला भी कहा गया है, वकीलों का सर्वग भी कहा गया है। हमारे संविधान की इन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता है मूल अधिकार। हमारे संविधान के अंदर जो ये मूल अधिकार हैं ये किस देश से सर्वप्रथम आते हैं कि किस देश से प्रभावित रहे हैं, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा कर लेते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार का अर्थ, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार होते क्या हैं, क्यों संविधान के अंदर इनको जगह दी गई है, क्यों इनको संविधान में समाविष्ट किया गया है, इसके संदर्भ में सर्वप्रथम न्यायाधीश है सप्रू, उनका मानना है, न्यायाधीश सप्रू ने कहा है न्यायाधीश सप्रू का कथन है, क्या कथन है, संविधान में मूल अधिकारों का संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता स्वतंत्रता और न्यायाधीश जो सप्रू महोदय हैं उनका ये मानना था कि जो मूल अधिकारों को संविधान में जगह क्यों दी गई, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य उन्होंने बताया कि नागरिकों को समानता स्वतंत्रता न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। अब बात आती है कि अर्थ क्या है मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का अर्थ ये अधिकार के ही एक भाग है।
कि मूल जो अधिकार है अधिकारों का ही एक रूप है, मूल है अधिकार, अधिकारों का ही एक मूल अधिकार, अधिकारों का ही एक रूप है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, ये व्यक्ति के, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तथा इन अधिकारों में, राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकार हम मूल अधिकारों की परिभाषा ये दे सकते हैं कि मूल अधिकार अधिकारों का ही एक रूप है जो संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए गए हैं, तथा इन अधिकारों के अंदर राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य की निरंकुशता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संविधान के द्वारा नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इसके आगे हमारे दिमाग में बात यह आती है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है और क्या इनका इंपॉर्टेंस या क्या इनका महत्व निकल करके हमारे सामने आता है। तो मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व, अब आता है मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व। मूल अधिकारों की क्या आवश्यकता है और क्या इनका महत्व है। आवश्यकता और महत्व की जब बात आती है तो हमारे सामने इनके तीन चार बिंदु हमारे सामने निकल कर के आते हैं जिससे हमारे को इनकी आवश्यकता और इनके महत्व का पता चलता है। जिसमें पहला बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, मूल अधिकार है ये, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर क्षेत्र में
हर क्षेत्र में उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे उनका शारीरिक है चाहे उनका मानसिक है, हर प्रकार से ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा साथ ही साथ में लोकतंत्र की आधारशिला भी हैं। दूसरी इनकी आवश्यकता क्यों है, दूसरा जो हमारे सामने बिंदु निकल कर के आता है वो है ये सरकार की और शासन की जो मनमर्जी है, जो स्वेच्छाचारिता है, उसके ऊपर रोक लगाते हैं। तो शासन की, शासन या सरकार की स्वेच्छा चारिता पर रोक की, शासन समझ लो चाहे सरकार समझ लो, उसकी मनमर्जी के ऊपर इन मूल अधिकारों के द्वारा उनकी रोक लगाई जा सकती है, उनकी मनमर्जी के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, उनकी स्वेच्छाचारिता के ऊपर नागरिकों के द्वारा, जनता के द्वारा रोक लगाई जा सकती है, मनमर्जी नहीं कर सकती है सरकार। तीसरी बात जो हमारे सामने इनकी आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है, तीसरी बात निकल करके आती है न्यायिक सुरक्षा। ये नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, न्यायिक सुरक्षा जो मूल अधिकार है वो व्यक्तियों को न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का कहीं पे हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। चौथा जो बिंदु हमारे सामने इनकी आवश्यकता और इनके महत्व का जो निकल करके आता है वो है लोकतंत्र के आधार स्तंभ, लोकतंत्र के आधार स्तंभ। जो लोकतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उसके क्या है, ये आधार स्तंभ है, मूल अधिकार है वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। क्योंकि लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ के अंदर हम यदि चर्चा करें तो क्या क्या आता है हमारे सामने, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। और ये स्तंभ, इन स्तंभों के लिए ही जो ये, इन स्तंभों के लिए ही जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला जो हमारे सामने इनकी आवश्यकता और महत्व का जो बिंदु, अंतिम जो बिंदु लगभग निकल कर के आता है वो है समानता के कारक, समानता के कारक। मूल अधिकार है, इनके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति को इनको, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान रखा गया है, किसी भी आधार पे उसके साथ में कानून की नजर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को समान रूप से जगह दी गई है, सभी को समान रूप से माना गया है, किसी प्रकार के कोई भेदभाव की व्यवस्था नहीं की गई है और सभी को समान रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला जो बिंदु आता है हमारे सामने कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है इनका किस प्रकार से ऐतिहासिक रूपरेखा है या किस प्रकार से इनका उल्लेख किया गया है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार, भारत के संविधान में मूल अधिकार कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो मूल अधिकार हैं कितने प्रदान किए गए हैं, कितनी संख्या है, कौन से भाग में है, कहां से कहां तक अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत के संविधान में जो ये मूल अधिकार हैं, सर्वप्रथम हमारे दिमाग में बात यह आती है कि ये कहां से प्रेरित हैं। तो भारत के जो संविधान निर्माताओं ने
जो ये जो संविधान तैयार किया गया था इसके अंदर जो मूल अधिकारों की जो संख्या प्रारंभिक रूप से या मूल संविधान के अंदर जो रखी गई थी उनकी संख्या है 7, जिसके अंतर्गत जो ये मूल अधिकार कौन से देश से प्रेरित है, सर्वप्रथम ये अमेरिका से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक 32 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अगली बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी मूल संविधान में संख्या 7 थी, जो वर्तमान संविधान के अंदर इनकी घटकर के संख्या हो गई है 6। भारतीय मूल संविधान में इनकी मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी तथा वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इनमें से इनमें से 44वें संविधान इनमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अतः इस प्रकार
वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इनकी जो 6 संख्या है वो कौन कौन से हैं।